दोस्तों आईपीएल 2020 शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और सभी टीमों ने अभी से अपने स्क्वाड को तैयार करने में लग चुके हैं। और इस साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रहने की वजह से सभी खिलाड़ी आईपीएल 2020 में अपना 100% देने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में प्लेइंग 11 में ओपनर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहता है, तो सभी टीम के पास इस साल काफ़ी खतरनाक ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो मैं आपको इस वीडियो में चार विदेशी ओपनर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आईपीएल 2020 में शुरू से काफी रन बनाते नजर आने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हुई न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों सभी टीम के पास एक विदेशी और एक भारतीय ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो ऐसे चार टीम के पास खतरनाक विदेशी सलामी बल्लेबाज मौजूद है जो अगर पूरा सीजन खेल जाए तो हो सकता है उनका नाम ऑरेंज कैप के लिस्ट में भी रहने वाला है। तो लिस्ट में नंबर एक पे है क्रिस लिन। दोस्तों क्रिस लिन को केकेआर टीम ने काफी टाइम बाद इस साल छोड़ चुके हैं और मुंबई की टीम ने उनको 2 करोड़ में ऑक्शन से खरीद चुके हैं। आईपीएल 2019 में क्रिस लिन के साथ पहले कुछ मैचेस में सुनील नारिन उतर रहे थे और उसके बाद शुभमन गिल को उतरते हुए देखा गया था। 2019 के आईपीएल में क्रिस लिन ने 13 मैच खेल के 405 रन बनाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट था 140 के आसपास। आईपीएल के इतिहास में उन्होंने 41 मैच खेल के 1280 रन बना चुके हैं, जहां पर एक मैच में 93 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रह चुके हैं। काफी खतरनाक T20 खिलाड़ी है और बिग ब्लास लीग में ब्रिस्बेन हीट टीम से खेलते हैं, लेकिन समस्या एक ही है कि मुंबई टीम में ऑलरेडी रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक मौजूद है, तो क्रिस लिन को शायद उतना मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर मौका मिले तो मुंबई टीम के लिए काफी खतरनाक बल्लेबाज साबित होने वाला है। उसके बाद नंबर दो पे है यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के दोनों ओपनर इस साल काफी रन बनाने वाले हैं क्योंकि नया कप्तान केएल राहुल गजब का फॉर्म में है और उनके साथ क्रिस गेल का जोड़ी कमाल का बनने वाला है। क्रिस गेल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एक बार और दो बार ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं। 2008 से 2010 केकेआर टीम में, 2011 से 2017 आरसीबी की टीम में और 2018 से पंजाब के टीम में मौजूद है। 2019 के आईपीएल में 13 मैच खेल के 490 रन बनाए थे। पावर प्ले में कितना खतरनाक खिलाड़ी है ये सभी को पता है, तो इस साल भी पंजाब के टीम से खतरनाक सलामी बल्लेबाजी करने वाले हैं। उसके बाद नंबर तीन पे है टॉम बैटन। दोस्तों केकेआर टीम ने क्रिस लिन को छोड़ने के बाद टॉम बैटन को टारगेट कर चुके थे और बड़े आराम से 1 करोड़ में खरीद लिए हैं। केकेआर टीम ने इस साल काफी ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है क्योंकि एक साइड में शुभमन गिल होने वाले हैं और एक साइड में केकेआर टीम अलग अलग खिलाड़ी को ट्राई करने वाला है, क्योंकि ऑप्शन के तौर पर केकेआर टीम में इस साल राहुल त्रिपाठी, निखिल नायक और सुनील नारिन मौजूद है। टॉम बैटन रिसेंट टाइम में काफी कमाल का फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसका झलक बिग ब्लास लीग और अबू धाबी के T10 लीग में देखने को मिल चुका है। ये उनका पहला आईपीएल सीजन है और काफी एक्साइटेड है इंडिया में आके आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अपने आप को साबित करने के लिए। तो अगर केकेआर टीम उनको शुरू से मौका देते हैं तो जरूर ऑरेंज कैप होल्डर भी बन सकते हैं। और आखिर में लिस्ट में नंबर चार पे है सनराइजर हैदराबाद टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर। दोस्तों हर साल आईपीएल का सीजन उनके लिए अच्छा गया और इसीलिए अभी तक 43 आईपीएल मैच खेल के 4706 रन बना चुके हैं, वो भी 142 स्ट्राइक रेट के साथ। डेविड वार्नर ने अभी तक 2015, 2017 और 2019 मिला के 3 ऑरेंज कैप जीत चुके हैं। हाल ही में हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में पहला मैच में 100 रन बना चुके थे, लेकिन बाकी दो मैचों में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, पर फिर भी काफी एक्सपीरियंस और खतरनाक सलामी बल्लेबाज है और एसआरएच की टीम में ओपनिंग करते दिखाई देने वाले है। तो दोस्तों ये था चार विदेशी सलामी बल्लेबाज जो आईपीएल 2020 में गजब का फॉर्म में रहने वाले है। आप नीचे कमेंट करके बताइए इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।